केंद्र के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन का अलग अलग स्तर पर ट्रायल कर रही है। कोविड वैक्सीन के तैयार होने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य सेवक, डॉक्टर, कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके लिए डेटाबेस भी तैयार किया गया है, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। मनपा ने खुद के कर्मचारियों को डेटाबेस तैयार कर लिया है। शासन के आदेशानुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने शहर के सभी अस्पताल, दवाखाने, कोविड सेंटर से जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में पत्र जारी किया गया है। मनपा के अपर आयुक्त राम जोशी ने बताया कि नागपुर शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों की जानकारी इकट्ठा कर केंद्र व राज्य सरकार के समक्ष पेश करना है। इसके लिए एक फॉर्मेट में कर्मियों के डाटा भरवा कर देना है। इसमें मेडिकल कॉलेज, मेयो अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष अस्पताल, मनपा के दवाखाने, नागरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निजी कॉरपोरेट हॉस्पिटल, निजी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम सहित शहर के सभी पंजीकृत अस्पतालों को अपनी जानकारी देना होगा। मनपा ने इसके लिए विशेष मेल तैयार किया है। बुधवार शाम 5 बजे तक जानकारी देनी है। इसके लिए नोडल अधिकारी के तौर पर डॉक्टर प्रवीण घंटावार को नियुक्त किया गया है। जानकारी के लिए घंटावार से संपर्क कर सकते हैं।